अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों 16वें नंबर पे आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है। 15 नंबर पे आता है वीरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बोलिविया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तीगल एयरपोर्ट, ये भी जर्मनी में पाया जाता है। दोस्तों 10वें नंबर पे आता है चार्लिस दे गौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि फ्रांस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये प्रीवियस पार्ट था पार्ट 1 का, और अब ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों 25वें नंबर पे आता है अदनान मेंद्रीज एयरपोर्ट, जो कि टर्की का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है। 24वें नंबर पे आता है वेकल हेवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जेच रिपब्लिक में पाया जाता है। 23वें नंबर पे आता है हैदर अलीयेव इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि कजाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 22वें नंबर पे आता है इब्राहिम नासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मालदीव्स का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है। 21वें नंबर पे आता है बच्चा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हमारे प्यारे पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है। दोस्तों 20वें नंबर पे आता है पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि भूटान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है। दोस्तों 19वें नंबर पे आता है तेल एवे बेन गुरियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इसराइल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है। दोस्तों 18वें नंबर पे आता है क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जॉर्डन का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है। 17वें नंबर पे आता है इमाम खोमेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि ईरान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है। दोस्तों 16वें नंबर पे आता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हज़रत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों 15 नंबर पे आता है प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सऊदी अरेबिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है। दोस्तों 14वें नंबर पे आता है पाकिस्तान, हमारे प्यारे पाकिस्तान, और इसका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों 13वें नंबर पे आता है बंदरी नायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि श्रीलंका का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है। दोस्तों 12वें नंबर पे आता है फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है। दोस्तों 11वें नंबर पे आता है जॉन एफ नेडी, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का। दोस्तों 10वें नंबर पे आता है गेटविक, जो कि यूनाइटेड किंगडम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है। दोस्तों 9वें नंबर पे आता है हेथ्रो, जो कि यूनाइटेड किंगडम का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है। दोस्तों 8वें नंबर पे आता है किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये भी सऊदी अरेबिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है। दोस्तों 7वें नंबर पे आता है शिरीमिटिवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये रशिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है। दोस्तों 6 नंबर पे आता है बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों इसके तो नाम से ही हमें पता चलता है कि ये ऑब्वियसली पाकिस्तान से रिलेट करता है, तो ये पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है। दोस्तों 5वें नंबर पे आता है जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर जाना जाता है, जो कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोस्तों 4वें नंबर पे आता है ओस्लो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नॉर्वे में पाया जाता है। दोस्तों 3रे नंबर पे आता है स्चिपोल अमस्टरडम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि नीदरलैंड्स का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोस्तों 2रे नंबर पे आता है सुबांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मलेशिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना जाता है। और दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है बीरूत रफीक हरारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि लेबनान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ आप सबको अच्छी भी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को, और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।